सवाल है, इफ 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिंपली दूसरी तरफ की वैल्यू जो ए प्लस बी के करस्पॉन्डिंग इक्वल टू की तरफ है, आप उस वैल्यू को इसके बराबर कर दीजिए, ए माइनस बी को 15 के बराबर। परसेंटेज परसेंटेज साइन को कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे पास 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 3% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5% ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, आप उसको वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए प्लस बी को ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी ए प्लस बी की वैल्यू को आप 25 मानेंगे और ए माइनस बी को 15 मानेंगे, तभी ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगी। ठीक है, तो आप ए प्लस बी को 25 मानिए और ए माइनस बी को 15। तो आपका आगे सवाल में पूछा है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, आपका ए इज इक्वल टू 20 आ गया, बी इज इक्वल टू 5 आ गया, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो 5 क्या है, बी। ठीक है, बी की वैल्यू 5 इज इंटू व्हाट परसेंटेज, ठीक है, इज इक्वल टू 20। तो क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आप परसेंटेज के साइन को कैसे हटाते हैं, 1/100 से, तो 5/100 इज इक्वल टू 20। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/100 तो क्या होता है, 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप परसेंटेज को नहीं भी हटा रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको बाद में भी हटा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4×100 ऑप्शन। ठीक है, 400% इज ऑप्शन डी। तो आपको मैं एक बता देता हूँ कैसे a प्लस बी की वैल्यू को 25 लेना है और a माइनस बी को 15 कैसे लेना है, क्योंकि आप जब तक a प्लस बी को 25 नहीं लेंगे और a माइनस बी को अगर 15 नहीं लेते हैं, तो आपका ये इक्वल टू साइन के दोनों तरफ की वैल्यू बराबर नहीं आएगी। तो इसलिए आप इसको सिंपली, आपको इजली इस क्वेश्चंस को करना है, इन टाइप के क्वेश्चंस को, सिंपली आप ए प्लस बी को दूसरी तरफ का करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ले लीजिए और ए माइनस बी को दूसरी तरफ की करस्पॉन्डिंग, और ए और बी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।